हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमको लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू जीरो और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा इक्वल टू वन, ये दो लिमिट हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो ग्राफ है वो आपका कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, इस इन दोनों के ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, कहीं भी कोई होल नहीं है, कहीं भी कोई स्टेप जंप नहीं है, जैसे कि हमने कंटिन्यूटी के लेक्चर में देखा। तो अगर ये दोनों फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा, अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो बिठा दूँ तो मेरे को ये आंसर मिल जाएगा, और थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा, यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू डायरेक्ट जीरो बिठा दूँ तो आपको पता है कॉस जीरो वन है, तो इसका आंसर हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। और ऐसे ही नहीं, कोई भी वैल्यू आपको सिर्फ जीरो के बारे में नहीं कि नॉट ओनली जीरो, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे चूज करिए, जैसे थीटा टेंस टू पाई बाई टू, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि लिमिट थीटा टेंस टू थीटा नॉट, ठीक है, साइन थीटा, ये आपकी आंसर क्या होगी? साइन थीटा नॉट। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली इसलिए कह सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि साइन थीटा इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हम जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। अगर वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो आप उस फंक्शन की लिमिट कोई भी पॉइंट पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके निकाल सकते हैं, जो कि हमने कंटिन्यूटी में के लेक्चर पर देखा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं हम मेरा टारगेट है कि ये दो लिमिट हमको कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों लिमिट का कैलकुलेशन मैं आपको ज्योमेट्रिकल अप्रोच के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करता हूं जो कि आपका एक यूनिट सर्कल मैंने यहां पे ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल मतलब इस सर्कल का रेडियस मैं यहां पे वन चूज करूंगा, और ये मेरा सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, यहां से मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये मेरा सेंटर है ओ, ये मेरा बी, और यहां से मैं एक और रेडियस ड्रॉ करता हूं जो कि ए। तो ये जो आर्क है ये मेरा आर्क हो गया ए बी। ठीक है, और ये एंगल मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ थीटा। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ क्या होगा? आर्क लेंथ मेरा यहाँ पे थीटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रेडियन के डेफिनेशन देखेंगे, अगर ये थीटा मैं रेडियन में चूज करता हूँ तो आर्क लेंथ में थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एल इक्वल टू आर थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ पे मेरा रेडियस क्या है? वन, तो एल इक्वल टू थीटा, और थीटा आपका रेडियन में होगा। ठीक है, ये मेरा आकलन हो गया। तो जस्ट यहाँ पे मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जो मैं सी दे देता हूँ, और ये मैं ए और बी दो पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक ट्राइंगल मिल गई ए सी बी। अब इस ट्राइंगल से ये मेरा 90 डिग्री मैंने ड्रॉ किया, तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए सी बी। तो ट्राइंगल ए सी बी से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी, ये मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूस के 90 डिग्री का ऑपोजिट है। तो हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर, सिंपल। तो ए सी क्या होगा? क्योंकि ये रेडियस मेरा वन है, वन, तो अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ओ सी ए, ठीक है,
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे मेरा हाइपोटेनियस वन है, तो मेरा ये जो ए सी लेंथ है ये ही क्या हो जाएगा, ये मेरा साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं ए सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। एंड सिमिलरली ओ सी क्या लिख सकता हूँ, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ओ सी मेरा हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अगर ओ सी आपका कॉस थीटा है और यहाँ पे ओ बी क्या है, ओ बी इज वन बिकॉज ओ बी आपका सर्कल का रेडियस है। तो सिमिलरली आप बी सी क्या लिख सकते हैं, बी सी आप लिख सकते हैं कि वन माइनस कॉस थीटा। ये कैसे लिखा, क्योंकि बी सी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ सी, तो ओ सी की वैल्यू होगी कॉस थीटा, ओ बी की वैल्यू होगी वन, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मैं अगर ये वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूँ, ए सी की वैल्यू और फिर मैं बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ, और ए बी, ए बी मेरा हाइपोटेनस है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ए बी, और यहाँ पे मेरा एक आर्क है, आर्क ए बी एंड लाइन सेगमेंट ए बी, तो आप यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये लाइन सेगमेंट ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आर्क ए बी। अब ये लेस देन तो ये डायग्राम से ही पता चल जा रहा है, लेकिन इक्वल टू क्या क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इस एंगल को छोटा करते जाएंगे तो आप देखेंगे, अगर आप यहाँ मैं यहाँ पे एक और अगर ऐसे इस एंगल को छोटा करूँ तो मैं यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्शन और ड्रॉ करूँ, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और तो ऑलमोस्ट देखेंगे ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, ये आपका आर्क लेंथ के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा जैसे जैसे आप एंगल को छोटा करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकता हूँ कि ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आर्क ए बी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो गया आर्क ए बी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लाइन सेगमेंट मीन्स लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब आर्क ए बी की लेंथ क्या है, क्योंकि रेडियन का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूँ तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ लिख रखा है, ठीक है, तो आर्क ए बी की लेंथ भी आपकी थीटा होगी, क्योंकि जो एंगल की वैल्यू रेडियन में है और क्योंकि मेरा रेडियस वन है तो आर्क ए बी की लेंथ भी सेम ही होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको कहता है कि एल इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे आप आर वन बिठाइए तो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन, मतलब ये न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। एक्चुअली आर्क लेंथ आपका रेडियन में यूनिट नहीं होगा, थीटा रेडियन एंगल मेजरमेंट का यूनिट है, ठीक है, न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लाइन सेगमेंट ए बी इज लेस देन इक्वल टू आर्क ए बी, यहाँ पे अगर तो दोनों का अगर मैं स्क्वायर लूँ कि स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन स्क्वायर, क्योंकि और ए बी स्क्वायर जो लाइन सेगमेंट ए बी स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या वैल्यू मिली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू थीटा स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों टर्म ही मेरे पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, साइन थीटा आपका नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये वैल्यू भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, कॉस थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, लेकिन हालांकि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा वन से कम होता है, ठीक, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू आपने मैक्सिमम वन पकड़ा तो ये जीरो होगा, और माइनस वन पकड़ा मिनिमम तो ये प्लस होगा, तो ये मतलब ये टर्म हम आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने पिक्चर जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने साइन थीटा मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्यूट एंगल लिया है, जरूरत नहीं कि मैं एक्यूट एंगल लूँ, ये मैं एंगल में नेगेटिव भी ले सकता हूँ, कि यहाँ से अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो ये एंगल में नेगेटिव भी चूज कर सकता हूँ। तो ये जो टर्म है वन माइनस कॉस थीटा, ये हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा और इसका स्क्वायर है, ठीक है,
इसके लिए हमको कोई चिंता नहीं करना है। और साइन स्क्वायर थीटा ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे सिंस यहाँ पे आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब सम ऑफ द टू पॉजिटिव टर्म इज लेस देन इक्वल टू अनदर पॉजिटिव टर्म। अब ये दोनों टर्म आपका क्या होंगे, इंडिविजुअली थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा स्क्वायर होंगे, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थीटा स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक, तो ये टर्म आपका नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को आप उस साइड में ले जाइए राइट हैंड साइड में तो आपको नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ पे स्क्वायर है जो कि वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू कभी नेगेटिव वैल्यू से कम नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ठीक है, एंड वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ओके। ऐसा अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट यूज करूं क्या मिल गई, यहाँ पर मैंने मॉड ऑफ साइन थीटा क्यों लिखा है, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स। तो और एक और फॉर्मूला है हमारा मॉड्यूलस का कि अगर मॉड एक्स सपोज लेस देन इक्वल टू एनी नंबर ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि माइनस मॉड ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा। यहाँ पे भी मैं सिमिलरली लिखूंगा कि माइनस मॉड ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, आपका लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा। तो इतना इनइक्वालिटी मेरा प्रूफ हो गया। अब मैं यहाँ पे सैंडविच थ्योरम का यूज करूंगा जिसके हेल्प से मैं साइन थीटा की लिमिट थीटा टेंस टू जीरो पर इजिली निकालूंगा। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि मुझे ये फंक्शन और इस फंक्शन का मुझे लिमिट जानना है थीटा टेंस टू जीरो पर। अगर इन दोनों की लिमिट थीटा टेंस टू जीरो पर सेम है तो साइन थीटा की लिमिट भी थीटा टेंस टू जीरो पर वही आंसर होगी। शुरू करते हैं। तो मैंने क्या प्रूफ किया कि माइनस मॉड ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा, करेक्ट। तो यहां से मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे दिखाना है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो मॉड ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो और लिमिट सॉरी एंड लिमिट थीटा टेंस टू जीरो माइनस मॉड ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। अगर ये मैं प्रूफ कर पाया तो फ्रॉम सैंडविच थ्योरम में क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू जीरो। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा। तो इसका हम ग्राफिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं। अगर हम मॉड एक्स का ग्राफ देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम अगर इधर मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ किए तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है कि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड एक्स का ग्राफ होता है आपका वाई इक्वल टू एक्स, जो कि ये वाई इक्वल टू एक्स है, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, और लेस देन एक्स के लिए ये है वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप क्या देख रहे हैं कि एक्स टेंस टू जीरो, अगर आप राइट हैंड साइड से जीरो की तरह अप्रोच कर रहे हैं तो ये ग्राफ आपका फंक्शन की आउटपुट वैल्यू जो कि वाई वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, जीरो की तरह, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इस ग्राफ के थ्रू से आपकी जीरो की तरह अप्रोच कर रही है। तो दोनों ही केस में फंक्शन की आउटपुट वैल्यू आपकी जीरो के नजदीक आ रही है जैसे जैसे आप एक्स टेंस टू जीरो कर रहे हैं,
तो ग्राफ से तो मैं डायरेक्टली जीरो लिख सकता हूँ। अगर आपको एल्जेब्रिकली कैलकुलेट करना है तो आपको मॉड एक्स का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो मॉड एक्स का प्रॉपर्टी क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो। तो लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे कि एक्स टेंस टू जीरो प्लस मॉड एक्स, जो कि क्या होगा, x टेंस टू जीरो प्लस, दैट मीन्स x इज पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस x। अब देखिए ये पॉलीनोमियल है, तो पॉलीनोमियल में हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, जो कि आपका आंसर होगा जीरो। और सिमिलरली लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस मॉड x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस माइनस x, जो कि आंसर होगा आपका अगेन जीरो। तो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल एंड देयर वैल्यू इज जीरो। सो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू जीरो मॉड x इक्वल टू जीरो। नाउ इंस्टेड ऑफ x यू जस्ट चेंज द वेरिएबल, यू राइट थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम थीटा लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो मॉड ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब हमको ये प्रूफ हो गया कि लिमिट x टेंस टू जीरो मॉड x इक्वल टू जीरो, अब बात रहेगी कि हमको क्या प्रूफ करना है, कि लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस ऑफ मॉड x। तो देखिए इसको हम लिमिट के प्रोडक्ट थ्योरम यूज करके हम इसको प्रूफ कर लेंगे इजीली। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस वन इंटू मॉड x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वन एक मेरा फंक्शन हो गया, मॉड x एक मेरा फंक्शन हो गया। तो आपको अगर याद है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में भी जाके देख सकते हैं लिमिट के, वहां पे मैंने क्या बताया, अगर दोनों फंक्शन का लिमिट आपको पता है इंडिविजुअली, तो आप दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट की लिमिट कैसे निकालेंगे, सिंपली लिमिट की प्रोडक्ट आप कर दीजिए। तो माइनस वन एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ, मॉड एक्स का अपना लिमिट निकाल ही रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू जीरो, और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू जीरो, जो कि जीरो है। तो मेरा क्या प्रूफ हो गया, अब जस्ट आप चेंज ऑफ वेरिएबल करिए, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो माइनस मॉड ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। तो मेरा सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे देखिए सैंडविच थ्योरम यही कहता है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की लिमिट एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर सेम है, तो उसी पॉइंट पर जी ऑफ एक्स की लिमिट भी वही वैल्यू होगी जो इन दोनों की लिमिट की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस मैं लिख सकता हूँ लिमिट थीटा टेंस टू जीरो मॉड ऑफ थीटा इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू जीरो माइनस ऑफ मॉड थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। सो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेरा प्रूफ हो गया। सिमिलरली मैं आपका ये भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि मॉड ऑफ, ये भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है कि वन माइनस कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ थीटा। यहाँ पे देखिए वन माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ही पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वन हो सकती है और मिनिमम माइनस वन होती है। अगर आप यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आप मैक्सिमम वैल्यू बिठाएंगे वन, तो वन माइनस वन ये जीरो से शुरू होगी। ठीक है, और जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू वन से घटती जाएगी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जैसे जैसे ये जब नेगेटिव होगा तो माइनस और नेगेटिव वैल्यू आपका प्लस हो जाएगा, तो फिर भी ये पॉजिटिव आपका रहेगा। लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वन माइनस कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा है, सिंस ये पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ थीटा तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, और उसका नेगेटिव वैल्यू जो कि आपका नेगेटिव नंबर है, तो सिंस इट इज पॉजिटिव इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव नंबर। यहाँ पे इक्वल टू इसलिए बिठाया गया है क्योंकि अगर थीटा मॉड ऑफ थीटा की वैल्यू कभी ना कभी जीरो होती है, तो ये भी जीरो होता है, तो उस जीरो जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे तो दोनों फंक्शन इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल भी लिखा है। तो इन द सेम वे मैं सैंडविच थ्योरम अगर यूज़ करूँ कि माइनस मॉड ऑफ थीटा और मॉड ऑफ थीटा का लिमिट मुझे पता ही है, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो।
यहां से मैं क्या कंक्लूजन दे सकता हूं, देखिए 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों फंक्शन का डिफरेंस थीटा टेंड्स टू 0 पर आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब लिख सकता हूं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा, और अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, टेंस मेरा दो थे, फॉर्मूले प्रूफ हो गए। ठीक है, तो जब आपने ये जान लिया है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा 1 है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 आपका sin थीटा 0 है, जो कि मैंने ज्योमेट्रिकल अप्रोच से बताया, हालांकि इन दोनों लिमिट कैलकुलेट करने के लिए और भी कई तरीके हैं, अगर आप दोनों का टेलर सीरीज जानते हैं, ठीक है, या और आप अगर डेरिवेटिव जो हम पढ़ेंगे तो वहां से भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो वहां से आप और भी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो अप्रोच मैंने दिखाया है ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, ठीक है, तो आप जब इन दोनों का लिमिट जानते हैं तो आप लिमिट के सारे डिवीजन ये सब थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा, इसकी लिमिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा / cos थीटा। अब यहां पे देखिए, अगर मैं डिवीजन थ्योरम यूज करूं तो डिवीजन थ्योरम क्या कहता है कि f(x) / g(x), जितने भी आप लिमिट के थ्योरम यूज करेंगे वहां पे सबसे पहली बात ये है कि आप f(x) और g(x) का लिमिट आपको पता होना चाहिए। यहां पे मुझे पता है थीटा टेंड्स टू 0 पर sin थीटा की वैल्यू क्या है 0, और थीटा टेंड्स टू 0 पर cos थीटा की वैल्यू क्या है 1, तब हम डिवीजन थ्योरम यूज कर सकते हैं। और एक और बात है, डिवीजन थ्योरम में हमको देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर की लिमिट 0 नहीं हो सकती। तो यहां पे देखिए डिनोमिनेटर की लिमिट 0 नहीं है, जो कि 1 है, तो हम यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम डायरेक्टली लिमिट का दो फंक्शन के डिवीजन का लिमिट क्या होता है, सिंपली लिमिट की डिवीजन, तो यहां पे होगा 0 / 1 दैट इज 0। ठीक है, इन द सेम वे आप ऐसे cos थीटा cot थीटा sec थीटा सब की लिमिट आप निकाल सकते हैं या थीटा टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, तो चलिए एक और लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा / थीटा, इस फंक्शन का लिमिट मुझे निकालना है एट थीटा टेंड्स टू 0 पर। और मैं x से भी लिख सकता हूं कि x टेंड्स टू 0 sin x / x मुझे निकालना है, जो कि आंसर होता है 1, और मुझे ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले आपके मन में इच्छा हो रही होगी, क्योंकि sin x भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, पॉलीनोमियल भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, और हम पॉलीनोमियल के बारे में जानते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दे, ठीक है, और हमको इजीली निकल जाएगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, और या आप डिवीजन फार्मूला यूज करेंगे f(x) / g(x), क्योंकि sin x एट x टेंड्स टू 0 आपने अभी निकाला है 0, और पॉलीनोमियल x का जो लिमिट होता है x टेंड्स टू 0 पर वो तो 0 ही होता है, लेकिन अगर आप यहां पे बिठाएंगे तो आपको 0 / 0 मिलेगा। और डिवीजन थ्योरम में क्या कहा जाता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर की लिमिट 0 आ रही है तो आप डिवीजन थ्योरम यूज नहीं कर सकते, तो आपको कई और टेक्निक यूज करना पड़ेगा जिसके हेल्प से हम ये करेंगे, क्योंकि ये 0 / 0 आ रहा है, तो यहां पे सिंपलीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, जैसे हमने रेशनल फंक्शन के लिए किया है। तो इसका भी एक इजी रास्ता है कि अगर आप sin x की सीरीज रिप्रेजेंटेशन जानेंगे तो वहां बिठा के आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और sin x को अगर आप लीनियराइज कर सकते हैं, दैट मींस कोई भी लीनियर फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसको अगर आप एप्रोक्सीमेट कर सकते हैं तो वहां से भी आप डायरेक्ट निकल सकते हैं। तो वो सब बात मैं नहीं करूंगा, तो यहां पे भी हम इसका एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखेंगे ताकि हम इसको इजीली समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे फंक्शन का अगर हमको लिमिट निकालना है तो चलिए थोड़ा बहुत फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो मैं f(x) इक्वल टू sin x / x ले लेता हूं। तो सबसे पहले इसका एक एक मजेदार प्रॉपर्टी है, जो कि ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो इवन फंक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, f ऑफ -x निकालना होगा sin ऑफ -x - x। ठीक है, तो आपको पता है sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस, सॉरी, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, माइनस sin x / - x, सिंपली आप कैंसिल कर दीजिए एंड इट इज इक्वल टू sin x / x, दैट इज इक्वल टू f(x)।
तो ये क्या प्रूफ हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है। और इस इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल मतलब कि जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, दैट मीन्स इस ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो साइन एक्स बाई एक्स जो है वाई एक्सिस के राइट साइड में इसका जैसा ग्राफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ही आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सोच लीजिए मैं एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, इवन फंक्शन जैसे ये। ठीक है, क्या मैं देखिए राइट हैंड साइड में जैसा आपको दिख रहा है ग्राफ, ग्राफ की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ के केस में लिमिट निकालना और भी इजी हो जाता है, क्योंकि ऐसे ग्राफ में जब अगर आप x टेंस टू जीरो पर ऐसे फंक्शन का लिमिट निकालेंगे जो कि इवन है, तो हमको पता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो मतलब कि x टेंस टू जीरो प्लस, x टेंस टू जीरो मतलब क्या होगा कि मुझे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस हमको शो करना पड़ेगा f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस f ऑफ x। ठीक है, लेकिन इवन फंक्शन के केस में मैं कोई भी एक लिमिट अगर मैं निकाल लिया, जैसे अगर मेरे को x टेंस टू जीरो प्लस की लिमिट मुझे पता चल गई, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ मुझे x टेंस टू जीरो माइनस के लिए कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा फंक्शन सिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ पे दिखने में जैसे है वो यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो फंक्शन की मुझे वैल्यू मिलेगी, सेम घटना आपका नेगेटिव वैल्यू के लिए भी घटेगा। तो मैं डायरेक्टली फ्रॉम द सिमेट्री में डायरेक्टली कह सकता हूँ कि x टेंस टू जीरो प्लस की जो वैल्यू है x टेंस टू जीरो माइनस के लिए भी सेम वैल्यू है। तो अब मैं ज्योमेट्री का यूज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पे फिर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जिसका सेंटर हो गया O, यहाँ पे मेरा B, ये मेरा A, मैं फिर से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूँ AB, और सॉरी इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ, और यहाँ से फिर से मैं एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूँ जो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये मेरा C हो गया और ये मेरा D हो गया। अब यहाँ पे मैं थीटा पॉजिटिव वैल्यू चूज करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, सॉरी मैं यहाँ पे थीटा लिख लिया, मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ इंस्टेड ऑफ थीटा, एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स मैंने यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट किया, एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। अब एक्स टेंस टू जीरो मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस मुझे कैलकुलेट करना है, और एक्स टेंस टू जीरो माइनस मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ओनली एक ही हाफ का लिमिट कैलकुलेट करूँगा, एक्स टेंस टू जीरो प्लस मतलब जीरो के नज़दीक जीरो रेडियन मेरा एंगल है, और एक्स की वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेनी है और जीरो के बिल्कुल नज़दीक लेनी है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि एक्स जो एंगल है मेरा, यहाँ पर जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री यूज़ किया हूँ, तो सेम केस यहाँ पे ओ ए मेरा वन है और ए सी मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो मैं लिख लेता हूँ ए सी इक्वल टू, सॉरी साइन थीटा नहीं साइन एक्स। ठीक, और ये जो मेरा बी डी है इसको मैं क्या लिखूँगा, तो यहाँ पे देखिए ये ओ बी है मेरा वन, ओ बी इज इक्वल टू वन, वन है ओ बी, तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी डी परपेंडिकुलर बाई बेस मैं क्या लिख सकता हूँ टेन एक्स। ठीक है, दैट मीन्स बी डी बाई ओ बी इक्वल टू टेन एक्स, तो ओ बी इज वन, दैट मीन्स बी डी इक्वल टू आपका क्या हो गया टेन एक्स। ठीक, तो इन द सेम वे अब मैं यहाँ पे देखूंगा मेरा ट्राइंगल ओ ओ ए बी, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया इज ऑलवेज लेस देन, ये मेरे जो सेक्टर है ओ बी एंड ये जो ए सेक्टर ऑफ द सर्कल इज लेस देन और इक्वल टू
area of sector, and area of sector जो है is also less than or equal to OBD. यहाँ पे इक्वल टू लिखने का यही मतलब है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स को स्मॉल करते जाएंगे तो आप देखेंगे ओ ए बी का एरिया और ये सेक्टर ऑफ द सर्कल का एरिया, ये जो ओ बी एक सेक्टर जो है और ये जो ट्रायंगल है ओ बी डी का एरिया, ये ऑलमोस्ट सब सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल वही भी निकालते हैं। तो कोई भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ओ बी इंटू ए सी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रेडियस स्क्वायर इंटू एंगल। यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स, तो रेडियस हो गया वन स्क्वायर इंटू एक्स, लेस देन इक्वल टू। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, ओ बी डी का परपेंडिकुलर है आपका बी डी और बेस है वन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ इंटू वन इंटू टेन एक्स, ठीक है, मेरा हो गया। तो आप यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ एक्स लेस देन इक्वल टू टेन एक्स बाई टू। तो मैं टू कैंसिल कर देता हूँ, मेरे को मिलेगा साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स एक्स एंड टेन एक्स सब पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या चूज किया है, एक्यूट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स भी पॉजिटिव टेन एक्स भी पॉजिटिव। तो अगर मैं पूरे इनइक्वलिटी में साइन एक्स से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, वन लेस देन इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स लेस देन इक्वल टू टेन एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। लेकिन ये इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड देते हैं इनइक्वलिटी विल नेवर चेंज, अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड देते हैं तो इनइक्वलिटी विल चेंज। तो वन लेस देन इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स लेस देन इक्वल टू, इसको अगर आप डिवाइड देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स। अब अगर मैं रिवर्स किया तो मेरी इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, वन लेस देन इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर टेन एक्स बाई साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई कॉस एक्स, ये आपका बन गया कॉस एक्स। तो यहाँ पर फिर से आप सैंडविच थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया वन, एच ऑफ एक्स हो गया कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स हो गया साइन एक्स बाई एक्स। तो मुझे क्या देखना है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन, इसका लिमिट क्या हो गया वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स की लिमिट अगर सेम हो गई एक्स टेंस टू जीरो पर, तो मैं क्या कह सकता हूँ फ्रॉम द सैंडविच थ्योरम, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस होगा, सॉरी प्लस एक्स टेंस टू जीरो प्लस साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन। ये मैंने एक राइट हैंड साइड के प्रूफ कर लिया। तो मैंने क्या देखा था, ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है, और मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इवन फंक्शन के लिए आपको बस एक ही साइड का आपको लिमिट कैलकुलेट करना है, दूसरी साइड की लिमिट आपको ऐसे ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सिंस माय फंक्शन इज इवन, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन। अब देखिए राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या हो गई वन, तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू proved। ये लिमिट जो मैंने कैलकुलेट किया ये सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट है, जिसका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में जान सकते हैं। ऐसे हम और भी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं आपको जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने क्या देखा, साइन एक्स
एट एक्स टेंस टू जीरो उसकी लिमिट क्या है, कॉस एक्स एट एक्स टेंस टू जीरो उसकी लिमिट क्या है, और साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स टेंस टू जीरो इसकी लिमिट क्या है। ठीक है, ऐसे अगर आप जानना चाहते हैं कि जैसे लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट साइन एक्स बाई एक्स, यहाँ पे अगर एक्स नॉट मैं जीरो नहीं लूँ और कोई भी वैल्यू मैं लूँ तो उस पर इसकी लिमिट क्या होगी, तो उस पर लिमिट कैलकुलेट करना बड़ा ही ईजी है, क्योंकि देखिए साइन एक्स भी आपका, आपको साइन एक्स का भी लिमिट एक्स टेंस एक्स नॉट पर पता है, एक्स का भी लिमिट एक्स नॉट पर पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर डिविजन फार्मूला यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन को कि अगर आप डिवीशन करेंगे, क्योंकि अगर आपका एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स भी आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स उस इंटरवल पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक्स टेंस टू एक्स नॉट, अगर एक्स नॉट आपका जीरो नहीं है तो डिनोमेटर का भी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके भी निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स नॉट बाई एक्स। ठीक है, तो और भी फंक्शन की लिमिट के बारे में बात करेंगे जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव पढ़ने से आपको इजीली आप बहुत सारे फंक्शन की लिमिट पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, अगर वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो आप उस फंक्शन का लिमिट कोई भी पॉइंट पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके आप निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।